मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को एक बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर एमपी में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन एक याचिका की सुनवाई में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव संपन्न कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर एमपी के लिहाज से, क्योंकि लगातार राजनीति तेज थी। लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही थी कि यदि एमपी में पंचायत चुनाव होंगे तो वो ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, यानी कि पिछड़ा वर्ग को साधने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव कराएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई में बड़ा झटका मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह का वक्त दे दिया है अधिसूचना जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार एक संशय की स्थिति मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बन रही थी, लगातार नगरीय निकाय चुनावों को लेकर असमंजस का वातावरण था, कहा जा रहा था, बार बार विपक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, लेकिन इसी बीच में याचिका की सुनवाई में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश जारी कर दिया है, अपना फैसला सुना दिया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, लिहाजा इसका पालन भी होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग अभी देखना बहुत लाजमी होगा कि कैसे जो है अधिसूचना जारी करने के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटता है। और बड़ी खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में यदि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो यह राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा, कहा जा सकता है, सबब साबित होगा। देखना बहुत लाजमी होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टैंड होता है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसे लेकर अपना रुख जो है वो अख्तियार करती है और किस तरह से मध्य प्रदेश में अब बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिहाज से निकल कर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह का वक्त दिया है अधिसूचना जारी करने के लिए। देखना बहुत लाजमी होगा कि किस तरह से अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इस फैसले के बाद अपने बयानों के तीर तेज करती है और एमपी में पंचायत चुनाव पर लगातार संशय के जो बादल मंडरा रहे थे वो अब कैसे 2 सप्ताह यानी कि 14 दिनों में दूर हो पाते हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है।